आदिल शाह का कुशल सेनानी सिद्धि जौहर शिवाजी राजे को पकड़ने के लिए प्रचंड फौज लेकर आया था। राजे पन्हाड़गढ़ पर थे, चहुं ओर से कड़ा पहरा था, कहीं से चींटी भी ना घुस सके इतना सजग घेरा लगा था। बुलंद पन्हाड़गढ़ पर तोपों के हमलों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जौहर का यह उद्देश्य था कि कभी न कभी गढ़ के ऊपर का अनाज समाप्त होगा, तब शिवाजी राजे को दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे, एक तो शरण आकर या युद्ध के लिए। उधर गढ़ के ऊपर शिवाजी राजे आशा कर रहे थे कि बाहर से अपने सेनापति नेताजी पालकर जौहर पर हमला करके घेरा खोड़ेंगे, तब हम भी यहाँ से बाहर निकलकर शत्रु पर आक्रमण करेंगे। तब नेताजी पालकर बीजापुर काबिज करने निकले थे। उनको हर जगह यश ही मिल रहा था, परंतु बीजापुर की सीमा पर ही खवास खान की फौज ने ऐसा तीखा प्रतिकार किया कि नेताजी को पीछे हटना पड़ा। नेताजी पालकर राजगढ़ पर जिजाऊ साहब से मिलने निकले। राजगढ़ पर जिजाऊ साहब भी चिंता में थे। 2 महीनों से अपना पुत्र पन्हाड़गढ़ पर घेरे में कैद है। सिद्धि का घेरा भेद कर जा सके इतना पराक्रमी कोई भी वीर पास में नहीं। अंततः वीरांगना जीजा माता स्वयं ही मुहिम पर जाने निकले। अन्य लोगों को समझ नहीं आ रहा था इनके आवेश को कैसे रोके। परंतु उतने में ही नेताजी और उनकी फौज राजगढ़ पर पहुंची। नेताजी ने विनम्रता से आऊ साहब को आश्वस्त किया, आप चिंता न करें, हम राजे को सुरक्षित लेकर आएंगे। नेताजी अपनी 5,000 फौज लेकर पन्हाड़गढ़ की दिशा में निकले। उनकी फौज में सिद्धि हिलाल और सिद्धि वाहवा जैसे बहादुर भी थे, परंतु सिद्धि जौहर के गुप्तचर भी चारों दिशाओं में थे। चतुर जौहर ने नेताजी की फौज पन्हाड़गढ़ तक आने से पूर्व ही अपनी अतिरिक्त फौज उनसे लड़ने भेजी। जौहर इतना सजग था कि घेरेबंदी का एक भी सैनिक जगह से हिला नहीं, स्वयं जौहर भी पन्हाड़गढ़ के नीचे से हटा नहीं। शिवाजी राजे ऊपर से आशा से देख रहे थे कि कहीं से तो घेरा शिथिल हो और हम बाहर निकल सके, परंतु वह आशा भी बुझ गई। जौहर की और नेताजी पालकर की फौज का घनघोर युद्ध हुआ, परंतु उसमें सिद्धि हिलाल का बेटा सिद्धि वाहवा, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिद्धि हिलाल का भी धैर्य टूट गया, शत्रु की ताकत बढ़ने लगी। दुखी और निराश मन से नेताजी पालकर को पीछे हटना पड़ा। 4 महीने बीत गए, घेरा शिथिल नहीं हो रहा था, उल्टा दिन ब दिन कड़ा होते जा रहा था। अब क्या करे, वर्षा काल आने पर सिद्धि वापिस जाएगा, यह राजे का अंदाजा भी गलत निकला। जौहर ने पूरा इंतजाम कर रखा था, छावनी में तोपों पर पानी न जाए ऐसी अच्छे से व्यवस्था कर रखी थी। फिर राजे ने एक अनोखी साहसी योजना बनाई, छुपकर भाग निकलने की। इस कठिनतम कार्य के लिए राजे ने अपने होशियार गुप्तचरों को मार्ग ढूंढने भेजा। रात के घने अंधेरे में यह वीर मावले गढ़ के नीचे उतरे। कितनी कठिन जिम्मेदारी थी, मानो मगरमच्छ के मुंह में घुसकर उसके दांतों के बीच कोई गैप है क्या यह ढूंढ निकालना। उन वीर मावलों के न हमें नाम पता है न कुछ, परंतु उन्होंने असंभव लगने वाली जिम्मेदारी सिर पे ली थी, अत्यंत सजग पहरे की कमजोर कड़ी ढूंढना। न जाने कब कोई बाण आकर लगेगा या कोई बंदूक की गोली, परंतु सब संकटों का सामना करके यह वीर गुप्तचर आनंद वार्ता लेकर पन्हाड़गढ़ पर शिवाजी राजे के पास पहुंचे। मार्ग मिल गया, मार्ग मिल गया। एक छोटी सी जगह थी जहां शत्रु सैन्य का पहरा नहीं था। वो राह पतली थी, ऊंची नीची और अड़चन वाली थी, शायद इसीलिए जौहर और भाई खान के नजर से छूट गई थी। अब महाराज ने अगली चाल चली, कुछ भी करके जौहर के सैनिकों को गाफिल रखने की चाल। आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन शिवाजी राजे के वकील गंगाधर पंत पन्हाड़गढ़ से नीचे उतरे। उनके साथ सिद्धि जौहर के लिए नजराना भी था और शिवाजी राजे की राजमुद्रा वाला पत्र भी। गंगाधर पंत नम्रतापूर्वक जौहर से मिले और बोले,
शिवाजी राजे को उन्होंने किए हुए गुनाहों का पछतावा हो रहा है। राजे अपनी सारी धन दौलत हजरत आदिल शाह बादशाह को सौंप कर शरण आने को तैयार है। वाह, सिद्दी जौहर को यही तो चाहिए था। शिवाजी ने चलाकी की तो भी जौहर मुलाकात के समय अफजल खान जैसे गाफिल नहीं रहने वाला था। जौहर ने पत्र को मंजूरी दी। कल राजे प्रत्यक्ष मिलकर आपको सारे किले सौंप देंगे, यह गंगाधर पंत ने जौहर को बता दिया। और पंत ने यह भी गौर किया कि जौहर की पूरी छावनी में यह खबर फैले कि कल शिवाजी शरण आने वाला है। हल्के हल्के अनजाने में सैनिकों की सजगता कम होते गई। ऊपर पन्हाड़गढ़ पर शिवाजी महाराज अपने विशेष सलाहकारों के साथ योजना बना रहे थे। और अब एक अनोखे वीर मावले की कथा आती है, जिसने वास्तव में युद्ध में लड़कर शौर्य तो नहीं दिखाया, परंतु ऐसा काम किया जिसके लिए मन में शौर्य और निष्ठा चाहिए। शिवाजी महाराज की योजना में सदैव प्लान ए के साथ प्लान बी भी रेडी रहता था। थिंक ऑफ द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यदि घेरे से भागते समय पकड़े गए तो क्या करना, इसकी भी योजना बनाई गई। शिवाजी राजे का कोई हमशकल नकली शिवाजी बनकर तैयार रहे, ऐसी योजना थी। पन्हाड़गढ़ के नीचे ही नेवापुर गांव में रहने वाला एक नाई था। वो दिखने में राजे जैसा ही था, दाढ़ी भी थी, आंखें भी वैसी ही थी, और संयोग से उसका नाम भी शिवा था, शिवा काशिद। शिवा काशिद राजे के आगे नम्रता पूर्वक खड़ा था। राजे ने पूछा, क्या तुम यह जिम्मेदारी निभाओगे? शिवा खुशी खुशी बोला, हाँ राजा, मैं बनूंगा दूसरा शिवाजी। आप जैसा पहलवान नहीं हूँ, पर एक के ऊपर एक दो अंगरखे पहन लूंगा ना जी। राजे भावनिक होकर बोले, शिवा तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? यदि पकड़े गए तो क्या होगा? शिवा बोला, ओ राजा, आज तक हम जैसे आम लोगों की जिंदगी के बारे में किसी ने कभी सोचा है? इतने सालों बाद हमें ऐसा राजा मिला है जिसकी आंखों में हमारे लिए आंसू आते हैं। राजा, आपके लिए तो मेरे जैसे कितने लोग अपनी जान दे देंगे। मरना तो सबको ही है ना। स्वराज के लिए प्राण दे सकूं तो ये मेरा भाग्य है जी। मैंने अभी ये काम न करके जिंदगी जी और मर गया तो लोग कहेंगे नाई था मर गया, पर आपके काम आकर मरूंगा तो बोलेंगे नाई था पर राजा बन के मरा। राजा आंसू न बिछाओ, आप यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलो और स्वराज आगे बढ़ाओ। दोस्तों, यह स्वराज शूर वीर मराठाओं के बलिदान से तो बना ही है, परंतु शिवा काशी जैसा नाई अनेक पिंडारी रामोशी धनगर महार सुतार लुहार हर जाति के निष्ठावान मावलों का भी स्वराज बनने में अनन्य योगदान है। हम उनके ऋणी हैं। आगे की रोचक कथा सुनेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।